नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ टीवी कलाकार दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के साथ इटली के फ्लोरेंस में लूटपाट का मामला सामने आया है। दंपति अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मनाने इटली गए हैं। दिव्यांका की मां नीलम त्रिपाठी ने बताया कि दोनों ने कार किराए पर ली थी, वे शॉपिंग के बाद रिजॉर्ट गए थे। इसी के दौरान बदमाश उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनके पासपोर्ट, कुछ नकदी कार्ड उठा ले गए। चोरी गए कुल सामान की कीमत 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। दिव्यांका ने परिजनों को बताया कि वह दोनों बुधवार को फ्लोरेंस पहुंचे थे ठहरने के लिए, प्रॉपर्टी देखने गए। इस दौरान अपना सारा सामान बाहर खड़ी कार में छोड़ दिया, लेकिन जब हम अपना सामान लेने वापस लौटे तो कार में सेंध लग चुकी थी। उन्होंने कहा कि दूतावास ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए विवेक दहिया ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। वीडियो में विवेक ने कहा, यह एक सुरक्षित स्थान माना जाता था। होटल के लोगों को पता था कि हमारी कार में सामान है। इसके बावजूद हमारे सभी दस्तावेज, पैसे, पासपोर्ट, पिछले 15 दिनों में की गई सारी खरीदारी सहित सब कुछ चोरी हो गया है। हमारा सब कुछ चोरी हो गया है। उसी पोस्ट में एक्टर ने आगे लिखा, कृपया हमें यह सुझाव देकर परेशान न करें कि देखभाल कैसे की जानी चाहिए। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा। यदि आप मदद कर सकते हैं तो मदद करें या सहानुभूति रखें। अगर ऐसा कठिन है तो कृपया अपना काम करें और आगे बढ़ें। इस घटना के बाद कपल फ्लोरेंस के पास एक छोटे से शहर पहुँचे, जहाँ होटल के स्टाफ उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में वे बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें दूतावास से मदद की सख्त जरूरत है। दूतावास ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।